भाई को, हमारे थाई दोस्तों को, सभी हाई इंडियन दोस्तों को नमस्ते। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर के आ गई हूँ पटाया सिटी के सबसे बड़े फिश मार्केट में। तो चलिए चलते हैं, इनसाइड व्यू में आप लोगों को दिखाती हूँ। तो लेट्स गो। तो गाइज ये देख सकते हैं आप लोग, ये फिश मार्केट का एंट्रेंस है, ये देखिए। यहाँ इन करते ही आपको राइट साइड में ऑक्टोपस देखने को मिल जाएगा। ये भेटकी मछली है जिसका प्राइस है 200 बाट, INR में हो गया आपको 450 रुपीस। यहाँ आपको मड क्रैब भी देखने को मिल जाएगा। ये स्क्विड है। यहाँ से आपको फिश सॉस का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए एक्वेरियम में मछली कैसे डांस कर रही है। यहाँ पे आपको स्क्विड का बहुत सारा वैरायटी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको प्रॉन्स का बहुत सारा वैरायटी मिल जाएगा। गाइज अगर आप लोग कभी पटाया आए तो ये फिश मार्केट जरूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। The area is huge and the sellers are so professional. कितना कलरफुल फिश है यहाँ पे देखिए। यहाँ पे आपको बाय एंड कुक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इट मीन्स कि आप फिश खरीदो यहाँ पे और आस पड़ोस में जो भी दुकान है उसमें फिश को दे दो, वो आपको बनाकर सर्व कर देगा। ऑब्वियसली पैसे भी पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको मछली का अंडा भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको लॉबस्टर का बिग साइज देखने को मिल जाएगा, जिसका बॉडी देखिए कितना बड़ा है। Thank you.
प्रॉन्स का भी ऑप्शन है यहाँ पे आपको। आप जितने भी तरह के सी फूड अगर आप पसंद करते हो तो आप यहाँ पे आके ले सकते हो, अगर आप सी फूड लवर हो तो। दोस्तों अगर आपको फिश के बारे में अगर कुछ जानना है या आपको डिफरेंट टाइप का फिश देखना है तो ये फिश मार्केट आपके लिए आइडियल प्लेस है। मैंने एक बार में इतना सारा क्रैब्स कहीं नहीं देखा है। ये बहुत ही बड़ा फिश मार्केट है, यहाँ पे मेरे को बहुत डिफरेंट टाइप का फिश मेरे को देखने को मिला है यहाँ पे। यहाँ से आपको ड्राई फिश मछली पापड़ का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको मछली का पापड़ आप खा सकते हैं। हेलो। आप लोग कभी थाईलैंड आए तो मछली पापड़ जरूर खाएं, टेस्ट करके बताएं कि कैसा लगता है आप लोगों को। हाई कल्चर में ये लोग रॉ फिश खाना पसंद करते हैं, जैसे कि आप इस बंदे को देख सकते हैं, ये रॉ फिश खा रहा है वो भी फिश सॉस के साथ। देखिए दोस्तों कौन कौन रॉ फिश खा सकता है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर